गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और आपका पीएफ आप विड्रॉल करना चाहते हैं या फिर आपकी पासबुक चेक करना चाहते हैं या आपने बहुत सारी जगह पे काम किया है और सारे के सारे पासबुक आप एक ही जगह पे चेक करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो पीएफ अकाउंट होते हैं वो हमारे आधार कार्ड से लिंक होते हैं, इसलिए हम सारे के सारे एक ही जगह पे चेक कर सकते हैं। तो वो कैसे आपको करना है, कैसे यूएन में लॉगिन करना है, कैसे आपको पीएफ से लॉगिन करना है, किसी जनसेवा केंद्र पे नहीं जाना है, घर बैठे आप लॉगिन कीजिए और इजीली आप अपना पीएफ घर बैठे विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से आपको ये करना है। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से हमें अपने पीएफ का डिटेल्स देखना है। तो चलिए हम ओपन करते हैं यूएएन, ओके, यूएन लॉगिन। तो यहाँ पे यूएन लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट आई है, हम इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या आता है। अभी तो लोडिंग चल रही है और ये देखें हमारे सामने खुल चुका है पूरा पोर्टल, ईपीएफओ का पोर्टल खुल चुका है। और यहाँ पे देखें हम अपना यूएन लॉगिन करने की कोशिश करेंगे और देखिए ये हमने यूएन लॉगिन के लिए यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाला और कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और इस तरह से आप लॉगिन कर पाएंगे और यूएन के अंदर सारी चीज़ उसमें देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा ये ओपन हो चुका है और हमें ये पासवर्ड रीसेट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि मेरा पासवर्ड ओल्ड हो चुका है और आधार नंबर वाले मोबाइल पे ओटीपी आएगा तब ये पासवर्ड रीसेट हो पाएगा और न्यू पासवर्ड बन पाएगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है कि अपने ईपीएफओ अकाउंट में लॉगिन कैसे करें और किस तरह से आपको क्लेम करना है, वो सब आपको अंदर जाने के बाद में पता चल जाएगा। जब उसमें अंदर ओपन करेंगे तब वहीं पे क्लेम का भी ऑप्शन आ जाता है और वहाँ पे पासबुक देखने का भी ऑप्शन आ जाता है। तो आप सभी लोग ट्राई करें इस वेबसाइट को, सबसे बेस्ट है। आप किसी भी जनसेवा केंद्र के चक्कर में ना पड़ें, डायरेक्ट अपने आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल देखने से। के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इस जो हमने सूचना बताई है इसको आप सभी लोग फॉलो करें, इसको ट्राई करें। आपको कहीं जनसेवा केंद्र पर नहीं जाना है, किसी के आगे नहीं लगाना है, 1 रुपया नहीं लगाना है, घर बैठे आप अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं।